केंद्रीय के गांव रामगढ़ छानो को लगभग 27 साल के बाद इंद्री नगरपालिका में विधिवत रूप से शामिल किया गया। अब यहां पर नगरपालिका की ओर से विकास कार्य करवाए जाएंगे और यहां पर वह सभी मूलभूत सुविधाएं जो नगरपालिका क्षेत्र में मिलती है वह दी जाएंगी। अब यहां के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। आपको बता दें कि जब इंद्री में पंचायत के बाद नगरपालिका स्थापित की गई थी उस समय रामगढ़ छानो गांव को भी इंद्री नगरपालिका में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन कुछ अड़चनें इसमें आ गई थी जिसको लेकर के सिर्फ इस गांव के लोगों को नगरपालिका में चुनाव में केवल वोट डालने का अधिकार तो मिल गया था, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का भी नगरपालिका के द्वारा विकास कार्य नहीं करवाए जा रहे थे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने संघर्ष किया और लगभग 27 साल के बाद यह संघर्ष काम आया। हालांकि इसके प्रयास पूर्व मंत्री करण देव कांबोज ने भी अपने कार्यकाल में किए थे, लेकिन अब इस समय भी भाजपा की सरकार है और मौजूदा विधायक रामकुमार कश्यप के प्रयासों ने रंग लाया है। मैं परसोत्तम दास कश्यप वार्ड नंबर 5 का स्थायी निवासी हूँ और समाज सेवी हूँ। हमारे वार्ड में एक गांव रामगढ़ छानो पड़ता है, जिस गांव के अंदर कभी भी नगरपालिका कोई विकास नहीं कर सकती थी, वहां के लोगों को सिर्फ वोट डालने का अधिकार था और हमने बार बार प्रयास, आज तक प्रयास होते जा रहे थे, लेकिन अब की बार जब हम विधायक के पास पहुंचे तो विधायक साहब ने बहुत ही हमारे को विश्वसनीय जवाब दिया कि बहुत जल्दी आपके रामगढ़ छानो को हम इंद्री में शामिल कर देंगे नगरपालिका में, और वहाँ के जो भी विकास कार्य रुके हैं सभी विकास कार्यों को तुरंत प्रभाव से नए कार्य करवाए जाएंगे जो भी कार्य रुके हैं। तो ठीक वही हुआ, हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी ने कुछ ही दिनों में हमारे को अभी 26 तारीख को खुशखबरी दे दी कि आपका गांव नगरपालिका इंद्री में शामिल कर लिया गया है, और लेटर भी उन्होंने हमारे को उसी टाइम दे दिया कि ये देखो आपका लेटर भी आ चुका है, तो आपका 6 हफ्ते के बाद में आपका काम भी वहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। हम अपने राम कुमार कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज तक सभी प्रयास करते हैं, लेकिन जिस प्रकार हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी ने हमारा साथ दिया और हमारे इस गांव को नगर पालिका में शामिल करने का कार्य किया, उसके वो बहुत बहुत आभारी, मैं उनका आभार जताता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद में भी हमारा कुछ ही दिनों में नगरपालिका इंद्री में गांव रामगढ़ छानो को शामिल करवाया गया। तो कब से चल रही थी ये मांग भी इसको शामिल कर? ये मांग तो बहुत सदियों से बहुत पुरानी चल रही थी, लगभग 40-45 साल से गांव जब से पंचायत टूटी थी उस टाइम से प्रयास चल रहे थे। अभी बहुत मंत्री आए, बहुत से MLA आए, लेकिन सभी ने आश्वासन दिया भी हम ये गांव को इस नगर पालिका में शामिल करवा देंगे, लेकिन प्रयास करने के बाद भी अब तक नहीं शामिल हुआ था। लेकिन राम कुमार जी ने बहुत बढ़िया प्रयास से जो है ना हमारे को ये आश्वासन दिया था, और उस आश्वासन पर वो बहुत खरे उतरे और उन्होंने लगभग हमारी जो नगर पालिका इंद्री की जो मीटिंग थी उस मीटिंग के तुरंत बाद उन्होंने आश्वासन दे के गए थे नगर पालिका की मीटिंग में, अभी मैं इसको कुछ ही दिनों में इंद्री में शामिल करवा दूंगा नगर पालिका में, और वैसा ही हुआ। इंद्री की जनता को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी कि रामगढ़ छानो इंद्री नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया गया है, और ये हमारे विधायक माननीय श्री राम कुमार कश्यप जी के अथक प्रयासों से सफल हुआ है। हमारी हाउस की मीटिंग 1 फरवरी 2021 को हुई थी, जिसमें माननीय श्री रामकुमार कश्यप जी ने अपना बहुत बेशकीमती टाइम हमें दिया था। वहीं पर हम सभी MC साहिबान ने मिलकर उनसे ये डिस्कस किया कि रामगढ़ छानो में सभी को वोटिंग राइट्स तो मिले हुए हैं, लेकिन उन्हें नगर पालिका की सुविधाएं नहीं मिलती, हमारे लिए कुछ कीजिए। तो हमारे विधायक जी ने CM साहब से पर्सनली मिलकर उनसे सारी प्रॉब्लम डिस्कस की और उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि ये रामगढ़ छानो को हमारी म्यूनिसिपल कमेटी इंद्री में सम्मिलित किया जाए। उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने, ऑफिस स्टाफ ने और हमारे सभी MC साहिबान ने मिलकर हमारे माननीय श्री रामकुमार कश्यप जी की सहायता से CM साहब से ऐसा करने के लिए कहा, और ये सब कुछ संभव हुआ कि रामगढ़ छानो इंद्री नगर पालिका में सम्मिलित हो गया। इसके लिए मैं आप सभी को
बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा और दूंगी और माननीय श्री राम कुमार कश्यप जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगी अपने सभी एमसी साहिबान की तरफ से और अपने ऑफिस स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनके अथक प्रयासों से यह काम हुआ। अब रामगढ़ छानो के सभी नागरिकों को म्युनिसिपल कमेटी इंद्री की सभी सुविधाएँ मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक